front of you, and here comes with your new video on the topic of your first chapter, that is computer and electronic device. And we are going to discuss the last topic of this lesson, that is advantage and disadvantage of computers. Okay, so basically you have to just simply open the page number 11, and after that we are going to just discuss about these both the topics in very detail. But before we are going to start this video, I am just simply going to request you that go there and subscribe my channel, press bell icon and select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. So let us start with the first topic, that is advantage of computers. So on the page number 11, there are some basic points like teaching, speed, storage, capacity, entertainment, multitasking, calculation, automation, electronic presentation. So basically these are might be 3 or 8. There are 8 points that are simply in the advantage topic, so we are going to discuss in very deep. So what is here the first point, that is teaching. So teaching, it helps the teacher to get information on any topic on the internet as well as present in nicely. Okay, so basically what is the meaning of this? I am just simply teaching you in Hindi also so that you can get the whole information. So यहाँ पर ये कहा जा रहा है, टीचिंग का मतलब है कि जैसे सपोज मुझे किसी टॉपिक के बारे में मुझे पढ़ाना है और मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने से पहले उस टॉपिक के बारे में इंटरनेट से बहुत अच्छे से जानकारी लेकर आपको उसके बारे में बता सकता हूँ, ताकि आप भी उस टॉपिक को या उस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से समझ सकें. तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज है किसके लिए, टीचर्स के लिए. दिस इज एन एडवांटेज फॉर बोथ द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट. सपोज मैंने कुछ आपको पढ़ाया और आपको समझ में नहीं आया, तो आप उस टॉपिक को इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कई सारे वीडियोज, कई सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिसको पढ़ करके आपको हो सकता है साथ उस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल जाए. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज है. स्पीड, अब जैसा कि हम लोग पहली लाइन से और अभी तक यही पढ़ते आए हैं, दैट अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट ओके देन अ मैन एंड इट कैन नॉट गेट टायर्ड लाइक अ मैन. तो यहाँ पर क्या मतलब होगा कि एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वह बहुत फास्ट वर्क करता है, इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस और बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एट अ टाइम. तो यहाँ पर वह कई सारे कैलकुलेशन एक ही समय में कर सकता है, तो इट इज वेरी फास्ट. यानी कि सपोज मैं अगर आपको दो कैलकुलेशन के साथ दे दूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक कैलकुलेशन करोगे फिर यहाँ पर दूसरी कैलकुलेशन करोगे. लेकिन जबकि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो एक ही समय में कई सारे कैलकुलेशन ईजिली कर लेता है. ठीक है, और वह थकता भी नहीं, यानी कि अगर आप काफ़ी घंटों घंटों तक मीन्स आर यूजर कैन टायर्ड बट कंप्यूटर सिस्टम डजंट टायर्ड. यानी कि एक आदमी थक सकता है जो कंप्यूटर चला रहा है, लेकिन वह कंप्यूटर कभी नहीं थकेगा, चाहे उसका एक आदमी वर्क करे चाहे दो या तीन या चार. मतलब सपोज जैसे दो घंटे मैं बैठकर मैंने कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क किया और मेरे हटते ही दूसरा आदमी बैठ गया, फिर वो वर्क करने लगा, फिर वो हटा तो तीसरा आदमी बैठ गया वो वर्क करने लगा, फिर चौथा आदमी बैठा तो वो वर्क करने लगा. तो यहाँ पर टोटल 8 घंटे काम किए कंप्यूटर सिस्टम ने, लेकिन जो पर्टिकुलर यूज़र है वो बार बार चेंज होते रहे, हर 2 घंटे पर एक यूज़र चेंज होता रहा. ठीक है, नाउ एंटरटेनमेंट, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन. यानी कि ये बच्चों के लिए एक बहुत ही मनोरंजक चीज़ है, क्योंकि आप वहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, आप वहाँ पर कार्टून्स देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं. तो बेसिकली ये आपके लिए इंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छा साधन है. नाउ कैलकुलेशन, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है क्या, कि यहाँ पर कहा गया कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता. ये बात सही है, लेकिन गलती कब कर सकता है, जब एक यूजर गलती करता है. यानी कि सपोज मैंने सपोज आई विल सिंपली राइट हियर दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 6 ओके. बट सपोज आई हैव राइट हियर 7 ओके, इज इट ट्रू, क्या ये सही है. यहाँ पर मैंने लिखा है 2 × 3 = 7, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है. ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे द्वारा की गई गलती है. ठीक, अब कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में सपोज जैसे अब यहाँ पर अब यूजर की गलती कैसे हो सकती है, यूजर की गलती कैसे हो सकती है, ये तो ये एक मैंने कैलकुलेशन की है. लेकिन सपोज अगर आप इनपुट देते हैं, आप एक डाटा या आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि मेरे लिए एक कैलकुलेशन करके दिखाओ, और कैलकुलेशन क्या है, सपोज बुक में लिखा है 2 × 3 या सपोज बुक में लिखा है 2 × 4,
ठीक, और आपने गलती से यहाँ इनपुट कर दी, आपने इनपुट दे दिया 2 × 3, तो वो तो उसने तो वहाँ पर 6 ही लिखा। ठीक, अब आपने आंसर शीट खोल के देखा, आपने आंसर शीट खोल के देखा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वहाँ पर आंसर आपको मिलेगा 8। ठीक, अब आप कहोगे सर ये मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है, तो गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ये वाला जो इनपुट है ये गलत दिया है। ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 4 टाइप करते तो आपको क्या मिलता, 8 मिलता, चूंकि आपने यहाँ पर गलती 3 टाइप कर दिया इसलिए आपको 6 मिल रहा है। तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता, यूजर ही है जो गलती कर सकता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम बच्चों को बताते हैं बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कोई भी चीज़ नहीं भूलता। हम लोग उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक गाने हैं, हमारे मूवीज हैं, हमारे वीडियोस हैं, हमारे गेम्स हैं, हमारे और भी कई सारे एप्लीकेशन हैं, या कई सारे गेम्स के जो एप्लीकेशन हैं हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट। ओके, लेकिन एक आदमी किसी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकता। सपोज मैंने 50 रुपये लेकर कहीं सपोज बोर्ड के पीछे छुपा के रख दिए और मैं आज लगभग 4-5 दिन या 1-2 हफ्ते बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने 50 रुपये पता नहीं कहाँ रख दिए, मैं जेब भी चेक कर रहा हूँ, मैंने पकड़ भी सारे चेक कर लिए, सब कुछ चेक कर लिया, मैंने सीटों के नीचे भी देख लिया, बट आई कैन नॉट गेट माई 50 रुपीज़ एनीवेयर। तो यहाँ पर मैं भूल सकता हूँ, एक इंसान भूल सकता है कि उसने कोई चीज़ कहाँ रखी है, लेकिन कंप्यूटर नहीं। बस आपको उस फाइल का नेम वहाँ पर टाइप करना है और यू कैन गेट योर फाइल इन अ सेकेंड। ओके, आप उस फाइल को 1 सेकेंड में ही आपको मिल जाएगी। नाउ मल्टीटास्किंग, तो इट कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लिसन म्यूजिक एंड वाइल टाइपिंग अ लेटर, यानी कि कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग भी होता है। ठीक है, यानी कि आप गाना भी सुनते रहिए और अपने साथ में आप कुछ भी टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप आर्ट भी बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक मल्टीटास्किंग, यानी कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं वो एक ही समय में कई सारे काम कर सकते हैं जो कि इंसान नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं कपड़े नहीं धो सकता। ठीक है, कि मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना खाते खाते एक हाथ से ऐसे नहीं है कि मैं एक हाथ से कपड़े धुल रहा हूँ एक हाथ से खाना खा रहा हूँ, नहीं। अगर मैं खाना खा रहा हूँ दैट मीन्स एट दैट टाइम आई एम ईटिंग दैट फूड। ओके, मैं वो खाना खा रहा हूँ, अगर मुझे कपड़े धुल रहे हैं तो मैं कपड़े ही धुल पाऊँगा, मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। ओके, इसके बाद ये ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है, कंप्यूटर कैन वर्क इन एन ऑटोमेटिक वे, दिस मेक अवर वर्क लेस फ्रॉम पेरर। यानी कि कभी बार कंप्यूटर क्या होता है कि उसको पता होता है कि उसका यूजर उसका मालिक क्या चाहता है, तो वह उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। अकॉर्डिंग मतलब सपोज उसको पता है कि मालिक जो यूज़र है वो 2 × 4 ही करेगा, तो वो आपको पहले से ही 4 डिजिट वहाँ पर सजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कई बार जो होता है कि हमारी गलतियाँ भी कम होती हैं और इसके साथ साथ हमारा काम जल्दी भी हो जाता है ऑटोमेटिक। यानी कि सपोज जैसे आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं और लेटर में सपोज आपको मेरी स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है, आपको प्रद्युम्न लिखना है एंड यू कैन नॉट हैव लर्न दैट स्पेलिंग इन योर स्कूल टाइम्स, यानी कि आपको मेरे स्कूल मेरे नेम की स्पेलिंग मेरे में नहीं आती, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सपोज अगर मैंने कभी आपके मोबाइल में अपने नेम की स्पेलिंग सेव की होगी तो ऑटोमेटिक ऑन द नेक्स्ट टाइम इन द फ्यूचर यू कैन जस्ट सिंपली टैप ऑन माई नेम दैट इज जस्ट सिंपली सजेस्टेड बाय द गूगल कीबोर्ड। तो गूगल कीबोर्ड जो है वह आपके मोबाइल में पहले से ही मेरा नाम सजेस्ट कर देगा इन द सजेस्ट लिस्ट, यू कैन टैप ओवर इट एंड यू कैन गेट द राइट स्पेलिंग ऑफ माई नेम देयर। ओके, आप मेरे नाम की स्पेलिंग वहाँ पर पहले से ही पा लेंगे, यानी कि सिर्फ आपको PRA लिखना है, PRA लिखते ही वहाँ पर वो मेरे नाम की स्पेलिंग सजेस्ट कर देगा और आपको उस पर टैप करके आप मेरा पूरा नाम लिख सकते हैं। कि आपको मेरा पूरा नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, उससे पहले ही आपको मेरा पूरा नाम मिल जाएगा। ओके, नाउ द सेकंड इज नो सॉरी द लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज दैट, सो टेक्स्ट एंड पिक्चर या कंप्यूटर कैन बी प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल वे, मोर ओवर दिस कैन बी एडिटेड व्हेन एवर। ओके, सपोज मैं कहीं बाहर गया और वहाँ पर जाकर मैंने कई सारी फोटोज़ खींची, ठीक है, और कहीं से बच्चों को आपको पता लग गया कि इस तरह वहाँ बाहर गए तो घूमने और वहाँ पर सबने कई सारी फ़ोटोज़ खींची और आप लोग भी फ़ोटोज़ या फिर आप जो वीडियोस हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बनाई, एक वीडियो बनाई विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर एंड आई कैन मेक ऑल दीज फोटोज़ इन अ स्लाइड एंड
प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैंने उन फोटोज को आपके सामने एक बहुत ही वेल बिहेव्ड मैनर में शो किया और आपने जो देखा तो आपको इंजॉय हुआ, मतलब आपको मजा आया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो एडवांटेज हैं, जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से एक होप कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू अपनी टीचिंग को सुधार सकते हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर की जो स्पीड यानी जो काम करने की क्षमता होती है वह बहुत तेज होती है, वह एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन का साधन होता है। उसके ज़रिए हम बहुत कठिन से कठिन और सरल से सरल सवाल सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर एक बहुत अच्छी क्षमता होती है अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करने की, वह कोई भी चीज़ भूलता नहीं है। इसके अलावा वह एक ही समय में कई सारे काम कर सकता है। इसके अलावा वह ऑटोमेटिकली वर्क करता है, वह जानता है कि यूज़र को क्या चाहिए, वह अपने यूज़र के अकॉर्डिंग उसको कई सारी चीज़ें सजेस्ट करता है। इसके अलावा वह कई सारी चीज़ों को यानी आपके टेक्स्ट को, आपके पिक्चर्स को एक ऐसे मैनर में आप प्रेजेंट करता है, यानी कि जो ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप ऑडियंस हो और मैं प्रेजेंटर हूँ, तो मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रेजेंटर मैं हूँ और ऑडियंस आप, तो ऑडियंस के सामने एक ऐसी प्रेजेंटेशन शो करता है जिसके कारण क्या होता है, उन लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। नॉट डिसएडवांटेज, द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। सो व्हाट आर दिस, द फर्स्ट इज डिजीज एंड सेकंड इज हेल्थ, थर्ड इज इंपैक्ट ऑफ नॉन एनवायरमेंट, फोर्थ इज वायरस अटैक्स एंड फिफ्थ इज साइबर क्राइम एंड द लास्ट इज कॉस्टली। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला तो आई डोंट थिंक सो कॉस्टली। Nowadays there are some cheaper version of computer system and purchase them from the market. So and I don't think so that nowadays a computer system is very costly. So we are going to discuss about these 5 points and after that we can also read that 6th point but in a low manner, okay. So decision, a computer work on a human order as it cannot take its own decision. यानी कि computer जो है वह अपने आप स्वयं से decision नहीं ले सकता, यानी कि जब तक आप computer के अंदर 2x3 type नहीं करेंगे तब तक आपको वो 6 as a output show नहीं करेगा। यानी कि पहले आपको ये type करना पड़ेगा with the help of keyboard, with the help of any input device, आप type करिए, आपको यहाँ पर एक रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन आज के समय में कई सारे ऐसे कंप्यूटर सिस्टम आ गए हैं जो AI बेस्ड होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, तो वो अपने आप से सोच करके कि यूजर क्या चाहता है वो कर सकते हैं मल्टी, बट स्टिल वी हैव टू गिव द कमांड, यानी कि हमें फिर भी कमांड देने की जरूरत पड़ती है। सपोज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आलसी हूँ सपोज, और मुझे वो फैन ऑन करना है, तो फैन ऑन करने के लिए आई वुड जस्ट सिंपली से दैट ओके गूगल एंड आफ्टर दैट ओपन और स्विच ऑन द लाइट्स और स्विच ऑन द फैंस, यानी पंखे को चालू करो या क्या बोलते हैं ये लाइट को ऑन करो। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे कहने के लिए मुझे गूगल को पुकारना पड़ेगा, या फिर अगर मेरे पास एक एप्पल आईफोन है सिंपली कॉल हेलो सीरी और सीरी को मुझे बुलाना पड़ेगा, तो पुकारना पड़ेगा, सॉरी मैं बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेल्थ, अब हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हेल्थ के लिए क्या है, वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ कंप्यूटर में अफेक्ट योर आई साइट एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि अगर आप ज़्यादा समय तक कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपकी फिजिकल ग्रोथ भी रुक जाएगी, यानी कि हो सकता है आपकी हाइट रुक जाए, आप मोटे हो जाओ, तो ये सारी चीज़ें आपकी आँखें खराब हो सकती हैं। आँखें खराब होने का मतलब है कि आपकी आई साइट में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कई घंटों तक एक ऐसे ऑब्जेक्ट को इतने पास देखने से आपकी आपकी जो आँख की है, जो नज़र है, वह कमज़ोर हो सकती है, हो सकती क्या हो जाती ही है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट का क्या है, आ कंप्यूटर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक जो कंप्यूटर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है, बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि वह बिजली पर काम करता है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अ लॉट्स ऑफ फ्यूल बर्न इन द पावर प्लांट दैट कॉजेस पोल्यूशन, यानी कि एक पावर प्लांट यानी कि जो पावर हाउस होता है जहाँ से बिजली बनकर आती है, तो वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में हमें फ्यूल को यानी ईंधन को जलाना पड़ता है, जिसके कारण एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे एनवायरमेंट पर भी इफेक्ट करता है। तो वायरस अटैक क्या है, सपोज योर कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोन टू वायरस, यानी कि हो सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस हो, जिसके कारण हो सकता है आपकी सारी जो डिटेल्स हैं वो कोई दूसरा, सपोज आई एम हैकर, सपोज आई एम नॉट, बट अगर मैं एक हैकर हूँ और आपकी कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी है जो मुझे जाननी है,
तो मैं क्या करूँगा, एक वायरस आपके पास एक ईमेल के थ्रू या किसी के थ्रू मैं आपको सेंड कर दूँगा। सेंड करने के बाद जैसे ही आप ईमेल को पढ़ोगे या ओपन करोगे तो वायरस ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करने लगेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे कुछ करने की जरूरत है, वो आपके कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सिस्टम पर सेंड कर देगा, भेज देगा। और इसके बाद आपकी जितनी भी जानकारी होगी लाइक आपके बैंक अकाउंट्स के बारे में, उनके पासवर्ड्स के बारे में, आपकी फ़ोटोज, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी बिना किसी झंझट के। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। साइबर क्राइम, लोग साइबर क्राइम की बात करें, साइबर क्राइम आ गया। तो साइबर क्राइम में यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे आप आपके अकाउंट में सपोज 5000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, और मुझे 5000 की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया, आपके कंप्यूटर में वायरस भेजा, वायरस के ज़रिए मुझे आपके ATM और बैंक के डिटेल्स मिल गए। उस डिटेल के थ्रू मैंने आपके अकाउंट से 5000 रुपये विड्रॉ कर लिए अपने अकाउंट में, ठीक है। तो ये कहलाता है साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम तभी होता है जब हम लोग 5000 या 10000 से ऊपर की जो रकम होती, जो अमाउंट होता है, उसको विड्रॉ करते हैं। यानी कि अगर हम किसी बैंक अकाउंट से 5-10,000 से ज़्यादा की जब अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द साइबर। अब 100-200 रुपये इज़ नॉट अ साइबर क्राइम, क्योंकि अगर मैं किसी के अकाउंट से 100 रुपये निकाल लूँ चुपके से तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक साइबर क्राइम कहलाएगा। हाँ, अगर कोई पकड़ेगा अगर इन फ्यूचर, तो एक अलग बात है कि पकड़ ले फिर कार्रवाई हो, दैट अनदर थिंग, ओके। तो बड़ा अमाउंट होना चाहिए, छोटे अमाउंट पर ये क्राइम नहीं लगता, बट फिर भी पता नहीं लगता है कि नहीं लगता, लेकिन सुनने में तो यही आया कि यू हैव टू टेक, मतलब किसी और ने अगर आपके अकाउंट से 5000 या अगर उससे ज़्यादा बड़ी रकम निकाली है तो यू कैन मेक अ कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेशन, टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, रिपोर्टिंग टू द साइबर क्राइम, ओके। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई डोंट वांट टू टीच यू बिकॉज that is I don't think so it is relevant to the lesson, and the last is costly. यहाँ पर कहा कंप्यूटर सिस्टम बहुत कॉस्टली हो गए, तो मैं कहना चाहूँगा कि नहीं, पहले के समय में ऐसा होता था कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 35,000 or 25,000 रुपए तक के आते थे। तो और पहले के समय में द सोर्स ऑफ इनकम इज़ आल्सो वेरी लो, यानी कि पहले के समय में जो इनकम की सोर्स होती थी वो भी काफ़ी लो होती थी, इसलिए अब उनको प्राइस हाई रखते थे। आज के समय में सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर जो कि 15-20,000 में एक अच्छा खासा कंप्यूटर बन सकता है, कंप्यूटर सिस्टम यानी डेस्कटॉप बन सकता है, लैपटॉप नहीं। लैपटॉप आपको 20,000 or 25,000 की एवर ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, उससे कम में लेने से मतलब है इससे अच्छा तो मोबाइल चला लो ज़्यादा बढ़िया। तो यहाँ पर कहेंगे कि कॉस्टली तो नहीं है, बट अगर आप अबाउट 12-18,000 अगर आप रुपये स्पेंड करते हैं तो आप एक अच्छा खासा डेस्कटॉप बिल्ड कर सकते हैं अपने घर पर ही, ठीक है। तो इसमें लिखा है कॉस्टली, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ कॉस्टली थिंग, ओके। सो स्टूडेंट्स, योर बोथ द टॉपिक्स एंड होल द लेसन इज सिंपली कंप्लीटेड टुडे। आई गोना अपलोड ऑल द एक्सरसाइजेस वेरी सून, जस्ट सिंपली वेट फॉर इट, एंड आई थिंक दैट दिस वीडियो वाज लेंथी हियर, सो आई एम सिंपली स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर। बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो वेरी फर्स्टली, ओके स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड गुड बाय फ्रेंड्स।